आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग आए, मुझे मत्था टेका, पैसे दिए, कपड़े दिए, ठीक है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओ फकीर सन, ये मकड़ी का जाला तूने क्यों बनाया? सुनो दोस्तों, मैं बचपन से उस परमात्मा को मिलने के लिए निकला था। हिंदू था, अपने सनातन के असूल के मुताबिक ईश्वर को, परमेश्वर को, ब्रह्म को, देवी देवताओं को मानता था। 24 घंटे रोने के बाद क्योंकि ख्याल मिला हुआ था कि वो अवतार लेता है, रामायण में लिखा हुआ था नाना भांति राम अवतारा, तो ये जज्बा पैदा हुआ कि उस राम को अवतार में जिस इंसानी रूप में देखूं। जैसा मैं पहले कहते रहता हूं, मैं उस एक दृष्टा दाता के चरणों में ले गया। उन्होंने ये संत मत मुझको दिया। इस संत मत की वाणियों ने जब पढ़ी तो मेरे दिल को चोट लगी। वो वाणियां क्या हैं, पुरुष निकालो, पुरुष जाया पाया। उन्होंने तमाम मजहबों का खंडन किया। मुसलमान नहीं पहुंचे, ईसा मसीह नहीं पहुंचा, जैन नहीं पहुंचे, बुद्ध नहीं पहुंचे, सनातन नहीं पहुंचा, रामकृष्ण भी। उन्होंने कहा ये सब काल के अवतार हैं। तो उस वक्त मैंने, मेरा यकीन अपने मुर्शिद दादा दयाल पर तो गया नहीं कि ये वाणी मुझको समझ नहीं आती। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते में सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वो मैं संसार को बता जाऊंगा। ये एक तो मेरा वो कर्म है जो मैं अपना कर्म भोगता हूँ। दूसरे, मेरे दादा दयाल ने कहा था कि चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मेरा नहीं, एक पुरुष अजाया पाया। अब तुम देखो ये संत मत कहाँ पहुंचाता है। तो इस पुरुष अजायब की तलाश में मैंने अपना जीवन खो दिया। बोलो नाले बुंदे। मेरे कन्नों के बुंदे लाओ भाई। बुंदे लाए कानों के बुंदे लाओ। अब आप इस वाणी को समझो, क्या कहा है स्वामी जी ने, सबका खंडन कर दिया। और फिर इस दुनिया को बनाने वाले को इन संतों ने जालिम कहा है। संत जो हैं
इनके ये इस दुनिया को पैदा करने वाले को जालिम और निर्दयी कहते हैं। अब मेरे जैसा आदमी जो इस दुनिया के पैदा करने वाले को पूछता था, मत्था टेकता था, उसके लिए ये वाणी सुनी कि जिसने दुनिया पैदा किया वो जालिम है, कितना मुश्किल था। तो वाणी से तो मेरा एतकाद गया नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास था दादा जाए पर, उन्होंने ये वाणी मुझको दी थी। आज मैं कहता हूं कि इस दुनिया का पैदा करने वाला वाकई जालिम है। इस दुनिया का पैदा करने वाला वाकई जालिम है। तुम अपनी बात सोचो, मेरी लड़की है, नीम उन्मत्त, 65 साल की हो गई। अब मैं सोचता हूं उसका जिम्मेवार कौन है, क्या मैं नहीं? मेरी ही कमजोरी या मेरे ही ख्यालात या मेरे ही विचारों का नतीजा मेरी लड़की पर गया ना गया, तो क्या मैं जालिम नहीं हूं? हम लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चे पैदा करते हैं, अपने आनंद के लिए बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चों का ख्याल नहीं करते। आनंद लेने के लिए बच्चे खुद रव आ जाते हैं, वो टीवी से मरते हैं, मुकदमे चलते हैं, बादशाह भी हो जाते हैं, दुख उठाते हैं, तो क्या हम जालिम नहीं है? अरे दिमाग आदमी सोचे कि मैं गलत कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। जिस सख्त ताकत ने ये दुनिया बनाई है उसने अपनी खुशी से दुनिया रखी है। आप देखो दरख्त पैदा होते हैं, उनको कीड़े खाते हैं, क्या दरख्त में जान नहीं? एक कीड़ा दूसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है। मैं रात को सोता हूँ, मक्खियां तंग करती हैं, मैं कहता हूँ भाई जी जी जाके छिड़क दो जहाँ, अब वो मर जाती हैं। ये दुनिया है क्या? तो संत कहते हैं उन आदमियों के लिए, ये राधा स्वामी मत या संत मत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये यकीन हो गया है कि इस दुनिया में सुख नहीं, यहां दुख और सुख दोनों हैं, और जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए है ये संत मत, आम दुनिया के लिए नहीं। मैं इसी वास्ते दुनिया को नाम नहीं देता। मेरे पास जितने आदमी आते हैं इस दुनिया से दुखों से बचने के लिए आते हैं। कल एक आदमी आया, वो रोता था, कोई कहता रात को मेरे पास दो औरतें गई, कहीं 12-12 बच्चे बच्चे नहीं होते। मैं हंसा, ये दुनिया है क्या? मुसीबत की जगह। तो जिन शख्सों को इस बात का एहसास होता है कि भाई ये तो हम जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे हमें क्लेश, उनके लिए ये संत मत है, दुनिया के लिए नहीं। बिल्कुल, मगर हम गुरुओं ने जो राजा स्वामी मत के लिए कबीर मत के थे, जो असली तो उसको छोड़ करके हम तो दुनिया में फंस गए। नाम लिया चौथे पद का तो काम किया हमने दुनिया का। तो मैं ये काम क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी थी कि तालीम को बदल जाना। तो मैंने ये समझा कि भाई इस दुनिया से पार जाने वाले तो दुनिया में है कोई नहीं, कि तो कोई कोई आदमी है जो ये चाहता है कि मेरा अब मैं मुर्गे न जमूं, इसलिए मैंने अपने आश्रम का नाम इंसान बन रखा आम पब्लिक के लिए। अब इंसान कौन है? गुरु पशु, त्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार, मानुष चाहे जानिए जामे विवेक विचार। जिसमें सच्ची समझ और विवेक है उसके साथ अपना जीवन गुजारता है वो इंसान है। जिस आदमी में विवेक शक्ति है, समझ बूझ का मादा है, और वो समझ बूझ के सहारे दुनिया में अपना काम करता है वो इंसान है। ये मेरी समझ में आया।
तो चूंकि दादा ने कहा था वकील जन तालीम बदल जाना, मैं नहीं कहता कि जो कुछ मैंने कहा है यही फाइनल है, मैं कान को आकर कहता हूँ मेरे जिम्मे सिर्फ ड्यूटी। अब आप लोग आए, आपने पैसा लिया, अगर आपके इस पैसे को मैं खा जाऊं मैं तो कुछ ही होकर मरूंगा, मेरा क्या हक है आप लोगों से लेने का। मगर अगर आप दे नहीं तो आपका गुजारा नहीं। इसमें राधा स्वामी मत में संतों में गए, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न ले। इस वास्ते मैं आप लोगों से ना कोई कपड़ा लेता हूँ ना कोई चीज लेता हूँ। एक आदमी ज्ञानवान है, यार दोस्त है, वो मेरी सेवा कर जाता है, मुझे उसका कोई दुख नहीं, मैं उनकी सेवा कर देता हूँ, वो मेरी सेवा कर देते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, सबसे पहले मैं इज्जत करता हूँ उन सत्संगियों की जिनकी वजह से मुझे उस अजायब पुरुष का पता लगा। मैं खुद इस मन के चक्कर में फंसा हुआ था। आज एक अमरनाथ यहां आया हुआ है कानपुर से, 3 साल हुए उसके अंदर कहता कोई रूप प्रकट हुआ, उसने कहा तेरा वक्त आ गया। तो इसको पता नहीं था वो शक्ल कौन सी है, ये उसकी तलाश में करता है। किसी ने कहा भाई उसका क्या नाम है, कुछ देर पंडित के पास चाहिए देहरादून, वो बता देगा। ये उसके पास गया, उसने कहा उसकी शक्ल बना दे जो तेरे अंदर प्रकट हुआ। उसने उसकी शक्ल बना दी, उन्हें कहा इस शक्ल के 2 आदमी हैं, कीड़े मुगा एक फकीर चंद, मैं जानता हूँ। अब वो त्राश करता हुआ मेरे पास आया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ तू फकीर चंद तू गया था उसके अंदर, मैं तुझको पता था वो। इस वास्ते इस आदमी को मैंने अच्छे कपड़े दिए और 450 रुपया इसके चरणों में पहन किया, आज क्यों किया। आप इन लोगों की वजह से मुझे ये यकीन हो गया कि जो कुछ संत मत ने कहा है वो ठीक कहा है। कोई गुरु, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी बाहर से इंसान के अंदर नहीं आता। इसी एक भ्रम में आकर इंसानी नस्ल हजारों मजहबों में, हजारों पंथों में, हजारों फिरकों में बट गई। कई जगह सोचता हूं कि ये बात क्या है, मैं इस बात को समझता हूं। बात यह है, हम और तुम जो कुछ भी है, जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, ज्ञान करते हैं, ये सब इस ब्रह्मांड में रहता है। जो कुछ हम बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब ब्रह्मांड में रहता है। हर एक इंसान के जिस्म के अंदर एक रेडिएशन, जैसा वो होता है वो बाहर फैलती रहती है। इसका सबूत साइंसदान तो समझते हैं, आम आदमी नहीं समझते। पुलिस के कुत्ते होते हैं कि नहीं होते, जहां डाका पड़ता है, चोर पड़ता है, पुलिस वाले कोई चीज उसकी कुत्ते को सुंघा देते हैं, तो कुत्ता उस जहां जहां से गया हुआ होता है, वो डाकू या चोर, वहां उसके वो बो जो उस कपड़े में है वो वहां फैलती जाती है, वो उस बो को सूंघता हुआ वहां चला जाता है। तो इससे साबित हुआ कि तुम और हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है, वो इस ब्रह्मांड में रहता है। तो अच्छे ख्याल भी ऋषियों के या महापुरुषों के रहते हैं, और बुरे ख्याल भी महापुरुषों के आसमान में रहते हैं। जब किसी को किसी चीज की जबरदस्त जरूरत होती है, वो क्या मांगता है, तो जब वो प्रार्थना करता है अपने अंदर, तो उसके अंदर वैक्यूम हो जाता है, उसका मन खाली हो जाता है। आप किसी चीज को जबरदस्त क्या मांगो कि मुझे वो चीज मिल जाए, सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो आपका मन खाली हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कुदरत में खाली कोई चीज नहीं रहती, वासना क्या करने वाले की होती है, उस किस्म की वासना के जो अब खराब संसार में होते हैं वो छगर बना के उसके अंदर आते हैं। ये नहीं कि फकीर चंद जाता है जो कोई जाता है, तुम्हारे हमारे सबके ख्याल जाते हैं। इस वास्ते मैंने तारीफ ए इंसान,
तू अगर अपने दिल के अंदर गंदे ख्यालात रखेगा, दुश्मनी रखेगा, विचार रखेगा, किसी का कुछ नुकसान न कर, तेरे ख्यालात भ्रमण ये वो ये। क्या कहा मैंने? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर दिमाग रखते हो तो। अच्छे ख्यालात भी बुरे ख्यालात भी संसार में रहते हैं, एटमॉस्फेयर के साइंस है, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो जहां जो आदमी जिस किस्म की खास करता है, वो जिस किस्म के ख्यालात उस ब्रह्मांड में होते हैं, वो शक्ल बनाकर उसके सामने या किसी तरीके से उसको उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। तो जो आदमी मुझे हुक्म था तालीम बदल जाना, क्या बदलूं? ऐ इंसान, अगर तू अकेला किसी का मुक्का ना मार, किसी को तंग ना कर, मगर अगर तेरे दिल में ये ख्यालात हैं गंदे हैं कि फलाना बुरा है, फलाना ये है, फलाना ये है, फलाना ये है, फलाना ये है, वो ख्यालात तुम्हारे ब्रह्मांड में रहेंगे। और दूसरे आदमी जो जो संस्कार में आएंगे उन पर असर करेंगे। क्या कहा मैंने? आप लोग सत्संग में आए हैं, मैं आप लोगों को सत्संग देना चाहता हूं। देखो, मैं सत्संग कराता हूं, मेरी रेडिएशन आपको जाती है। आप जो मेरे पास आते हैं, मेरे पांव को मथा देखते हैं, आपकी रेडिएशन मुझे खाती है। आप जो मुझे मत्था टेकते हैं, मेरे जिस्म को हाथ लगाते हैं, मेरे पांव को हाथ लगाते हैं, तो आपकी रेडिएशन भी मुझे खाती है, मेरे मन पर असर होता है और मैं उस असर को महसूस करता हूं। तभी तो मैं कहता हूं कि मैंने बड़े खोटे कर्म किए हुए थे पिछले जन्म के, जो मुझे ये काम करना पड़ा। क्या कहा मैंने? मैं तो कहता हूं आप लोग आते हैं, मैं तो आप लोगों को अपना दुश्मन समझता हूं। अगर 20-30 साल पहले मुझे ये पता होता तो मैं कभी काम ना करता, दादा के हुक्म कभी जी से बेकार जाता। ये तो साइंस है, मुझे कालरा हुआ है, बीमारी हुई है, प्लेग हुई हुई है, वो भी मेरे संपर्क में आएगा उसको लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी मुझे बताओ। वो तो जिस्मानी है, ये मन के ख्यालात हैं और ये आत्मा ख्यालात हैं। इसलिए अब उससे बचने का मैं क्या इलाज करता हूं कि मैं आपसे किसी से प्यार नहीं करता, अपनी जाती गर्ज आपसे नहीं जगता, ये ख्याल नहीं आता कि फलाना आए तो मेरे मंदिर में 10 रुपए दे जाए या मुझे मेरी सेवा कर जाए, ये नहीं करता। आपके प्रेम, निष्काम प्रेम से आपके प्रेम का जवाब आपको प्रेम में देता हूं। बड़े बड़े महात्मा गिर जाते हैं कुसंगत से। कल एक औरत आई हुई है वहां कहीं से, उसने कहा मेरा भाई था, एक वो अद्भुत था, नंगा रहता था, बेफिक्र रहता था, मस्त रहता था, वो उसका चेला बन गया। अब वो चेले के चक्कर में आ गया, अब वो औरतें वहां जाने लगी, वो उनके जाल में फंस गया। वो इसका भाई जो था उसने 1000 रुपया दे के वहां मंदिर बनाया और ये किया और वो किया, अब वो उदास हो गया, घर में वापस आ गया। वो महात्मा क्यों गंदा हुआ? क्योंकि उस महात्मा ने तुम गृहस्थियों के साथ प्रेम किया। इस वास्ते मैं बिल्कुल फ्रैंक चाहता हूं, कभी कभी मैं पुरुषोत्तम दास से भी प्रेम किया करता था, जब से मुझे ज्ञान हुआ अब किसी से प्रेम नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता। अगर मैं तुम्हारा ख्याल करूं, तुमसे प्रेम करूं, तो तुम मुझको बताओ मैं कहां जाऊंगा? मुझे थोड़ी आप लोगों को सत्संग करते करते गुरु से भी प्रेम करते हो, गुरु से प्रेम करते हो और फिर दूसरों से भी प्रेम करते हो, तो दूसरों के प्रेम है वो असर तुम्हारे में नहीं जाएंगे? यही वजह है कि हम लोगों को कोई तरक्की नहीं होती। इस वास्ते ये नाम दान है किसके लिए?
हम गुरुओं ने तुमको रामदान तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं दिया, बल्कि मैं हौसले कहूंगा कि आजकल के हम गुरुओं ने दुनिया को राम दिया, उनको जहर दिया। क्यों? इंसान उसको मिलना चाहिए नाम, विषयों से जो होए उदासा, परमारस की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजित पे साथ गुर जाए। और फिर हुक्म है जल धन और जमीन को मौत के हवाले छोड़ के आओ। आप मेरी बात को समझे, मैं आप लोगों की संगत से बातें बोल गिर जाता हूं, मैं प्यार करता हूं ये मैं नहीं कहता, मगर मैं अपनी जाति भेद नहीं रखता। मुझे ये ख्वाहिश नहीं रहती कि तुम आओ तो मंदिर को पैसा दे जाओ या मेरा जो काम कर जाओ, क्योंकि ड्यूटी थी मेरे जिम्मे तालीम को बदल जाना, मैं अपना कर्म भोगता हूं। तो मैंने कहा था मैंने काम क्यों करता हूं, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि ये राधा स्वामियों का या कबीर पंतों का खुदा क्या है जो ये कहते हैं सारे। अब मेरी समझ में आ गया कि जो कुछ भी हमारे मन के अंतर हम जिसको खुदा मान के पूजते हैं वो तो तुम्हारे मन का बनाया हुआ है। एक आदमी अपने मन से उसको निराकार मान लेता है, एक उसको साकार मान लेता है। उसने अपने मन से उसको पूजा कि नहीं पूजा? तो जितने हम मदद वाले हैं, जिस खुदा को हम पूजते हैं, ये हमारा अपना बनाया हुआ खुदा है, असली खुदा ये नहीं है। अब मैं पूछता हूं क्या असली खुदा है? असली खुदा है क्या है? वो जिससे मेरा मन निकला, जिस चीज से मेरा मन बना है वो है असली खुदा। क्या काम है वो? क्या चीज है वो? है प्रकाश, वो है नूर। अगर नूर हमारे जिस्म में ना आए, प्रकाश ना आए, तो हमारे अंदर मन चित्त बुद्ध अहंकार पैदा नहीं हो सकते। इसलिए जितने मदद वाले हैं, वो जो देवी को पूजता है, राम को पूजता है, कृष्ण को पूजता है, बाबे फकीर को पूजता है, मोहम्मद को पूजता है, जैसे के, ये किसको पूजते हैं? ये अपने ही मन को पूजते हैं। इस ख्याल से मैं मजबूर हूं मानने के लिए कि जो कोई स्वामी जी ने खंडन किया या संतों ने खंडन किया कि ये सब काल और माया में है, बिल्कुल ठीक है। फिर संत किसको पूजते हैं? उसको पूजते हैं जिसमें से मन बुद्धि चित्त अहंकार बनता है, वो है प्रकाश नूर। और यही सनातन धर्म कहता है महाजना तपा सत्यम सत्यम, वो जो सत्यम है, वो जो नूर का प्रकाश है, वो असली खुदा है, वो असली मालिक है। तो अगर कोई शख्स सच्चे खुदा को मिलना चाहता है तो वो क्या करे? अपने अंतर प्रकाश और शब्द को प्रकट करे। ये है सच्चाई जो मैंने समझी, क्योंकि सनातन भी यही कहता है, मुसलमान भी जो उनको मानते हैं। इसलिए ये जितना तफरका है ये उन आदमियों का है जिनको ना इस्लाम की असलियत का पता है ना सनातन की असलियत का पता है। वो तो मन के चक्कर में फंसे हुए सारी दुनिया। मेरे ख्याल में मैंने अपनी तरफ से आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोगों ने मेरी सेवा की, मैं क्या सेवा करूं? एक आदमी आया हुआ है, अब मैं इस आदमी को जिसके अंदर कानपुर में 3 साल पहले पैदा हुआ या आशीष है, क्या मैं अपने आत्मा से पूछने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब तू नहीं गया तो अगर तू ये सच्ची बात इसको नहीं बताता, इसको अपने जाल में फंसाता है, इससे पैसे लेता है, इससे मत्था दिखाता है, क्या मैं मुजरिम नहीं हूं? ये जितने महात्मा गुजरे हैं मैं हौसले से कहता हूं कि इन्होंने अपनी जिंदगियों के साथ खेल खेला। तुम लोगों को जरूर दरासा दे गए, अज्ञान में रख के तुम लोगों को हौसला दे गए, मगर अपनी जान को बर्बाद कर गए। कोई महात्मा कोई गुरु किसी का नहीं। अगर कोई चीज जाती है तो मैंने वो जो कहा कि रेडिएशन में वेव्स होती हैं वो मौजूद रहती है,
आजकल की फ्रांस नहीं, जर्मन के हाल में जहाँ सैनेट था, जो 100 साल पहले वजीरों ने लेक्चर दिए हुए थे, उनको उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, ये सब इस ब्रह्मांड में रहता है। तो जहाँ किसी को जिस चीज की जरूरत होती है, वो ख्याल जो ब्रह्मांड में है वो उसके अंदर जाते हैं। ये मेरा तजुर्बा। कई आदमी कहते हैं रूहों को बुलाते हैं, कई कहते हैं रूहों को बुलाते हैं इंग्लैंड में। मैंने जो रूह आएगी वो जो आगे होने वाला उसकी बाबत नहीं बता सकती। वो चूंकि यक्षु हो जाते हैं, वो मरने वाले के जो ख्यालात हैं वो ब्रह्मांड में रहते हैं, वो ख्यालात आकर के बोलते हैं, मगर वो उसके मुस्तकबिल जो आगे का हाल है वो नहीं बता सकते। ये है सबूत। अफसोस मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे। मैं जो कुछ आपको कहना चाहता हूँ उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे लफ्ज मिले। आप समझ गए मेरी बात को? नहीं, मरा हुआ कोई नहीं रहता यहाँ, न राम, न दाता दयाल, न बाबा गुरु नानक। उनके ख्यालात मौजूद हैं, उनके विचार मौजूद हैं, उनके भाव मौजूद हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो जब इंसान कोई अपने अंदर कोशिश करता है तो वो जो ब्रह्मांड के अंदर, वो उसके अंदर आ जाते हैं। गंदे आदमी होता है, उसके अंदर जो गंदे ख्यालात फैलते हैं वो आ जाते हैं। जिस तरह रेडियो पर देखो ना, जहां हर जगह रेडियो वेव चल रही है, हमको तो नजर नहीं आती, मगर अभी रेडियो लगा दो, जंदर सुन लो, दिल्ली सुन लो, है कि? मगर हमको नहीं। ऐसे ही हमारे ख्याल, हमारे विचार इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद रहते हैं। इंसान जो बुरा सोचता है वो कहता है मैं किसी के, अरे मेरी समझ में आया, इंसान तू जो हर वक्त गंदा ख्याल है, बुरा ख्याल है, तू दुनिया के लिए जहर फैला रहा है। तेरे ख्यालात आसमान सीर में रहेंगे और दूसरे लोग हमला करेंगे। क्या कहा मैंने? अफसोस मुझे लेक्चर देना नहीं आता, मगर मैं अपने भाव को इसलिए वेद मार शिव संकल्प मस्तु। हम कड़ा से जो बुराई सोचते रहते हैं, आप सोचें इसका कोई फायदा नहीं। वो जो तुम्हारे सोच है, विचार है, तुम्हारे वेद हैं, वो तुम्हारे अंदर से निकलते हैं, उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनका असर दूसरों पर पड़ता है। ये जो अब साइंस ने साबित किया ना, हमारे इसी क्या करते थे, औरतें पीछे जो होती थी वो सिवाय अपने पति के बिस्तरे से दूसरे किसी के बिस्तरे पर नहीं सोती थी। औरतों को मालूम होगा क्यों, कि जो जिस अवस्था में रहता है उसके असरात उसके कपड़े में जाते हैं, जो जैसा है उसके असरात उसके कपड़े में जाते हैं। तो जो आदमी उस कपड़े को इस्तेमाल करेगा उसके जज्बात उसके अंदर जाएंगे। सोचो मेरी बात। हमारे यहां पगवड़ राह बांधे, धर्म बांधे, एक पगड़ी अपनी उन्हें देंदा और पगड़ी उन्हें देंदा, ताकि उसके ख्यालात उसमें चले जाएं, उसके ख्यालात उसमें चले जाएं। यह है साइंस। तो आप लोग सत्संग में आए हैं, मेरे बुढ़ापे की उम्र पर रहम करो, बात को समझो और अपना जन्म बनाओ। अरे पैसे देने से, आरतियां करने से या ये करने से अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये दुनिया का व्यवहार है, लेना देना पड़ता है, ना कोई देता है ना कोई लेता है। पिछले पिछले जन्म के जिसने किसी से लेना है उसने लेना है, जिसने देना है उसने देना है। तो मैं काम क्यों करता हूँ? मैं सोचता हूँ, अरे जन तुमने क्या मकड़ी का, मैंने मकड़ी का जाला नहीं बनाया ना। मैं आया ही इसी वासी हूँ इस संसार में, फकीर के चोले में, कि संत मत या हकीकत या असलियत को बिल्कुल खोल करके बता जाऊं, ताकि इंसानी नस्ल जो बचना चाहती है वो इस असूल को समझकर बचे। नहीं बचना चाहते तो मैं क्या करूं, कोई क्या करे। यह है मेरे काम करने का असली मकसद और असली खेल। तो मुझे यकीन हो गया इस बात से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, मन को छोड़ जाता हूं।
मगर जब आप लोग नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये सत्संगी मेरे सच्चे दुश्मन है। आपकी रेडिएशन मुझ पर असर करती है, दो दर दो बराबर है चार के, सिर्फ एक झूठ मैंने को भी मैं छोड़ गया इस वहम में आकर कि लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है, मगर इस रेडिएशन को बच नहीं सकता। और इस वास्ते संत कहते हैं भाई ऐ इंसान, ये दुनिया जिसमें तू रहता है ये ऐसी ही है, इससे अगर बचना चाहता है तो तू मन से ऊपर चला जा। बस लाख इंसान कोशिश करे इस रेडिएशन के झूठ से तुम बच के जाओगे कहां, दुनिया में रहते हैं। तो संतों का मार्ग जो है वो सिर्फ जीवों के इस ख्याल से कि वो इस जन्म मरण से बच जाएं, और जन्म मरण से बचने का एक तरीका मैं खुद सोचता क्या करूं जी जन्म मरण, मेरे तजर्बे में साइंस ने साबित किया। मैं कहा करता हूं कि डॉक्टरों ने मरने वाले को सेंसिटिव स्केल पर रखा, जब उसकी रूह निकल गई तो स्क्रीन पर जाके देखा मरने वाले का जिस्म घट गया, कोई 5 ग्राम को 10 ग्राम को 5 ग्राम, ये साइंस जो चीज भारी अजमेरी की कहीं उसे खींचेंगे, किसी मजहब की जरूरत नहीं। ये मैंने पढ़ा है किताब में। अब मैं सोचूं पारी क्यों होती, क्योंकि मरने वाले के दिल में दुनिया की पदार्थ से प्रेम होता है, बाप से माँ से। और जो शख्स फकीर चंद वर्ग पंडित मत्स्यराम के ध्यान करता हुआ मरेगा, वो अगर ये चाहेगा कि वो आवागमन से बच जाए, उसका बाप भी नहीं बच सकता, क्योंकि फकीर चंद को वो जिस्म समझता है, उसका प्रेम जिस्म के साथ है। आप समझे क्या मैं कह रहा हूं, आजकल ये गुरु मत पखंडिज्म है, नाम ले जाओ जी अंत में गुरु तुमको सख्त रोक ले जाएगा। अरे अंत में जो गुरु दे ताली तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हें सख्त रोक नहीं ले जा सकता। हाँ अच्छी योनि मिलेगी, अच्छे ख्याल मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि इस वक्त गुरु मत में बहुत सख्त रोक है, प्रेम है। मेरे में ड्यूटी थी, मैंने सच्चाई का टोकना कर दी, तो मुझे यकीन हो गया कि वो अजायब पुरुष कहां रहता है, वो मन के परे रहता है, वो मन के परे रहता है। क्योंकि ये बात मुझको तजर्बा मुझको आप सत्संगियों से हुआ, इस वास्ते आप भूल भूल मन के दिन मैं मुझे गुरु मानने वालों प्यारे हो, मेरे शरीर को कुछ पड़े मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप लोगों के चरण कमलों में अपना चरण नवा के आपको गुरु रूप समझ के नमस्कार करता हूँ। क्यों कि आप लोगों की वजह से मुझे ये ज्ञान हुआ जिस चीज के लिए मैंने सारी जिंदगी तरफ तरफ के मर गया, 1000 रुपया मैंने आरती करे, हुक्म था गुरु की सेवा करो आरती करो, मैं भी करता था, 12 साल जो कमाया सब वहां भेजा, वो मिम्मा हल नहीं होता था। दाता दाल ने ये काम दिया था, कहा था फकीर चंद तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा, और आप लोगों के तेरे में मेरी आंख खोल दी, मैं इस काम से सुखी नहीं हूं, आपको बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, मगर कर्म प्रधान विषय पर रखा जो दस्ती कैसे, क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। दादाजार को मैंने अपने विश्वास से अपना मालिक माना, अब मेरे सिर पर उनके हुक्म की जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था फकीर चोरा छोड़े से पहले तारीख बदल जाना, इसलिए मैं मजबूर। अब आप लोग आते हैं, जहां मैं बोलता हूं वहां आप नहीं जा सकते, ये वहां जाना भी अपने बस में नहीं है, जन्म जन्मांतरों के किस्से होते हैं। कोई पाग वाला होगा, बाबा सावन सिंह कहा करते थे बड़े पाग हो तो सत्संग मिलता है, बड़े पाग हो तो
सत्संग की बात समझ में आती है, बड़ा पाग हो तो अमल करता है। आप गृहस्थियों के लिए मैंने इंसान बनो की आवाज उठाई, जो काम करो विवेक से करो। गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार मानुष का है, जानिए जामे विवेक विकास सोच समझ के साथ हो। क्या कहना चाहता हूं, संतान को संतान के ख्याल से पैदा करो। आजकल हम लोग खुद राव संतान पैदा करते हैं और फिर ये आप ये उम्मीद करें कि वो आपके बच्चे जो खुद राव हुए हुए हैं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, कैसे हो सकता है। परसों एक आदमी मेरे पास रोता हुआ आया, लड़के को बड़ा पाला पढ़ाया, शादी कर दी, अब वो घर में लड़ाई करता था, अब अलहदा हो गया। मैं पूछता हूँ उस आदमी से, क्या तुमने बच्चे को बच्चे के लिए पैदा किया था? अपने स्वाद के लिए आपके पास हम जाते हैं, बच्चे पेट में आ जाते हैं, फिर ये अमाद करते हैं कि वो बच्चे हमारे ताबेदारी करेंगे या हमारे ये करेंगे। हमारे ये फजूल बात, एक विवेक तो मैं ये देना चाहता हूँ। दूसरा विवेक ये है कि तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है, उसका सबूत मैं तुमको देता हूं। मैं गीता नहीं तुमको पढ़ाता, रामायण नहीं पढ़ाता, अंजील नहीं पढ़ाता, असूल की बात बताता हूं। रात को तुम सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मार दो तुम्हारा हाथ हिल जाता है। रात को सुपने में कोई ड्रामी शक्ल डर जाते हो, तुम्हारी जुबान बबड़ाती है। रात को सुपने में ख्याली आवाज बना लेते हो, तुम्हारा बीड़ी निकल जाता है। तो सुपने का ख्याल तुम्हारे बस में नहीं है। जब सुपने का जो ख्याल बस में वो तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो जागते हुए हम किसी से नफरत है, किसी से द्वेष है, किसी से झगड़ा है, किसी के बरखिलाफ हम प्लान करते रहते हैं, किसी के बरखिलाफ कुछ, किसी के साथ पे, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों ना होगा? ये लॉजिक है। इसमें न कि हिंदू का सवाल है, न मुसलमान का सवाल है, न ईसा का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है। इस वास्ते इंसान कौन है जो विवेक से गुरु पशु, चिड़िया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार मानुषता है, जानिए जामे विवेक विचार। वो विवेक विचार जो मैंने समझा, अपने कर्म भोग बस कहता हूं, दाता पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया हो, आपने कहा था तालीम बदल जाना, जो कुछ मेरी समझ में आया मैं बकता जाता हूँ, अच्छा है तो जो बुरा है तो मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। मैंने आपको सबूत दे दिया लॉजिकली बिल्कुल असूल के मुताबिक। तो एक विवेक तो यह है, जब तुम्हारे ख्याल में ताकत है तो कर्म में रहती हो, एक दूसरे को बुरा मत चाहो। यहाँ आजकल क्या है, लड़का बाप के बरखिलाफ है, और खावन के बरखिलाफ है, भाई भाई के बरखिलाफ है, मुल्क में क्या हो रहा है, एक पार्टी दूसरे के बरखिलाफ। तुम ये उम्मीद करते हो कि ऐसी हालत में तुम्हारा मुल्क सुखी रहेगा? आप भूल जाओ, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है। ये जो हमारे ख्यालात हैं इसका नतीजा मैं नहीं कहता क्या हो, मगर इसका असर हमारे जिस्म पर भूत पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो मर्जी चाहे पार्टी आ जाए वो हमको मुसीबत से नहीं बचा सकती, क्योंकि ये कुदरत का खेल है, इस वक्त नफरत का खेल है। पॉलिटिकल पार्टियां क्या कुछ नफरत नहीं करती, हम घरों में क्या कुछ नहीं करते, रोज झगड़े होते हैं और कोल्ड वार रखते हैं। उम्मीद करोगे तुम सुखी रहोगे? यह गलत। मेरे दिन में ड्यूटी थी, मैंने कह दी एक बार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नौजवान बच्चों को, मेरे पास जितने नौजवान बच्चे आते हैं या लड़के, बचपन से मैच्योरिटी से पहले अपने ब्रह्मचर्य को खो देते हैं। कोई हाथ रसी करता है, लड़कियाँ चप्पी खेलती हैं, गंदे ख्याल रखते हैं, तो इनके अंदर जिस्म
के अंदर दिमाग की खराबी होना, बीमारी होनी, ये होना वो होना, ये अमरे लाजमी है। इसलिए मैंने तालीम को बदला। अच्छी औलाद पैदा करो, घर में शांति रखो, अपने मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य को कायम रखो, कम से कम जब तक तुम मैच्योरिटी को हासिल नहीं करते। अच्छी औलाद पैदा करो, एक बात। तीसरी बात यह है कि इंसान का मन कमजोर है, इसको इसकी कुव्वत इरादे को बढ़ाने के लिए सिमरन ध्यान किया करो। मैं नहीं कहता तुम राधा स्वामी मत के हिसाब से सिमरन करो, मैं नहीं कहता तुम सिख मत के हिसाब से, तुम मन को इकट्ठा करने की कोशिश किया करो। यहाँ जहाँ मैंने हाथ लगाया, राम राम के जाप से करो, अल्लाह के जाप से करो, वाहगुरु के जाप से करो, एक दो तीन चार पाँच छः दस से जाप से करो। मतलब तो तुम्हारे मन की एकाग्रता की जरूरत है। जिसका मन एकाग्र होता है उसकी विल पावर अच्छी हो जाती है, उसके काम हो जाते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिन में जो किसी तालीम बदल जाना, मैं किसी मजहब का फैलावकार नहीं, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं राधा स्वामिया हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, मैं मनुख का आपकी तरह एक आदमी हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं। बंदिशें टूट गई, दाता ने बड़ी रहम किया, सब खत्म हो गई। तो इंसानियत के असूल मैंने आपको बता दिए, क्योंकि मन महाचंचल है, ठहरता नहीं, इसको काबू करना आसान नहीं, इसलिए इसका इलाज यह है कि सत्संग अच्छा रहे, एक दूसरे सिमरन किया करो। यहाँ मैं नहीं कहता तुम पांच नाम का सिमरन करो, राधा स्वामी नाम, मुझसे अगर कोई पूछे मैं तो राधा स्वामी नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं तो गुरु की पढ़ाई, मगर मैंने तो चेले किसी को नहीं बनाए। आप भी मैं जरूर आध घंटा, 20 मिनट 25 मिनट ध्यान किया करो, यहाँ हर रोज सुबह शाम, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरे, हमारे हक को हलाल की कमाई होनी चाहिए। हम हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं, करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, तो जैसी हमारी कमाई है वैसा हम पर असर पड़ता है। तो ये पांच चार बातें हैं जो मैंने आपको बात किया। कल शाम को सत्संग हुआ था प्रेम का, आज शाम को मेरा ज़्यादा बोला नहीं जाता, उसका हो जाएगा टेप रिकॉर्ड मेरे पड़े हुए मन के मुताबिक, बहुत कुछ आपको वाकफी हो सकती है। तो अब क्या वक्त हो गया, कितने में शुरू किया था, चलो एक घंटा काफ़ी है, मुझसे अब ज़्यादा बोला नहीं जाता। आप लोग आए हैं दाता, मैं अवगन आ रहा हूँ, आपकी जल में गया था, पसंद को आपने रंग लगाया, खेल खिलाया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो संस्कार आपने दिया मैं करता रहा, अच्छा करता रहा, बुरा करता रहा, मुझे पता नहीं। जिंदगी अख्ताम पर है, ऐ मालिक अपने चरण कमलों में बाधा दे दे, संसार भूल जाऊं, दुनिया भूल जाऊं, आपका एहसान, आपने दाता के रूप में जो हुक्म दिया बजा लाया, क्षमा चाहता हूँ सबको राधा स्वामी। ये मंदिर की तरफ से हैं जी, प्रसाद बना दो, मुझसे तो बांटेंगे नहीं, ये माता जी बांटेंगे जी, माता जी बांटेंगे, बांटो, मैं थका हुआ हूँ। सुनिए, ये रुमाल है, इसमें कुछ पैसे हैं, किसका है ये ले लेना मेरे से। और दूसरे जो मंदिर की तरफ से हजूर ने प्रसाद देना है, एक एक लड्डू, जो कमालपुर वाली माई जी है यहाँ बैठेंगी, एक एक लड्डू सब लेना, बैठ जाओ।